रोक दिया। ओ दूसरा वाला चांद पे जाएगा क्या? हाँ ये आगे लगाएंगे, वो आर्मी वाला ट्रक था, वो मेरे को इशारा करके पूछा क्या हुआ, मैंने बोला ये गिर गया। भाई यहाँ से निकल लो, भाई यहाँ से निकलो, वो आर्मी वाला बोल के गया कि यहाँ पर रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एरिया सही नहीं है। तो ये खड़ी बाइक है, ये रहे अपने माउंटेन, इधर सब भीड़ लगी है और अपने भी खा रहे हैं राजमा चावल। सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी बस ये खाया ना तो मतलब सुकून मिला, सुकून। मतलब आप सोच सकते हो, आप लोग बोलोगे कहाँ बैठ के कहीं भी कैसे भी खा रहे हैं, लेकिन ये देखो बाइक है अपनी, इधर इधर व्यू, राजमा चावल, इधर मैं बेकार भी आ गई, सॉरी। तो बस सोच लो क्या मज़ा आ रहा होगा। चाय लाता हूं। क्या गरम चाय? अरे अरे भाई मेरे लिए मत लाना, मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है। खाते हैं, थोड़ा ही बचा और फिर उन लोगों का वेट कर रहे हैं, अगर वो लोग आएंगे खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अपने निकल जाएंगे आगे के लिए। तो अभी आप सोचना मैं जा कर रहा हूँ पानी भरने, देखना चाहोगे? आधे लोग बोलेंगे नहीं यहाँ से नहीं कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर, ट्राई किया अच्छा है, अपने यहाँ से तो बहुत बेटर है साला, पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए आरओ तो नहीं लगाना पड़े। तो खा लिए राजमा चावल और अपनी बाइक के पहले उधर खड़ी थी, और वहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और पत्थर ही पत्थर छोटे 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 गिरने स्टार्ट हुए ऊपर से, आप देख सकते हो वहाँ से अभी भी आपको धूल दिख रही होगी वहाँ। एनीवेज चलो निकलते हैं यहाँ से, रह गया 121 किलोमीटर एंड 2 hours 53 minutes दिखा रहा है यहाँ से। हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी इतना विंड चल रहा है और सब चल रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि बाइक टेढ़ी मेढ़ी घूम रही है। तो चलिए अब थोड़ा निकलते हैं रफ्तार की तरह। तो भाई कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे उतर के, और कुछ नहीं। मैं जाएगा पहले, मैं जाएगा पहले। और गाइस देखो ये क्रेन है, ये ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ होगा ना तो उस टाइम ये यहाँ पे फंस गई है, देखो उसकी कंडीशन देखो। और अगर आप लोगों को याद हो पुराने ब्लॉग में मेरे यही पॉइंट पर ये क्रेन फंसी हुई थी, शायद ये वही है, ऐसा ही कुछ पॉइंट था। मतलब बारिश ना और ऐसे मौसम में कितना अच्छा रहे ना, मतलब हल्का हल्का ग्रीन, थोड़ा ठंडा सा एंड मतलब खुला सब कुछ, तो कितना अच्छा लगे, मतलब कैसे बोलते हैं कि हाँ पैसा वसूल वाली चीज़, बट नेचर है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो सब लोग पीछे आ रहे हैं, जो आप लाइन देख रहे हो वो रोड वाली ट्रैफिक वाली तो आगे से है, जो कि यहीं से दिखनी चालू हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया था ट्रक्स की लाइन लगेगी एंड ऑल टाइप, तो वो अगर आप लोगों को वहां पे दिख रहा हो तो वो ट्रक्स की लाइन है, और अपने को उधर पूरा जाना है वहां तक, अपनी बजने वाली है। उधर से देख रहे हो पूरा का पूरा कारवां आ रहा है, तो मतलब कि अपने जितना आगे तक निकल सकते हैं निकल लेते हैं, क्योंकि फिर आगे से गाड़ी आएंगी तो अपनी बाट लग जाएगी। तो बस यही तरीके होते हैं निकलने का भाई, या तो उधर साइड से निकलो या इस साइड से निकलो, बीच में से तो निकलना बहुत भारी हो जाएगा। और बारिश हो गई है जोरों शोरों से स्टार्ट, आप लोगों को पेड़ से दिख रहा होगा कितनी हवा चल रही है, और इतनी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है तो कैसा हो रहा होगा।
तो इधर हो रही है बारिश और इधर डिस्टेंस नहीं हो रहा है कवर, बोले तो अब बारिश की वजह से स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है, अपने भगा भी नहीं सकते, कोई मतलब भी नहीं है अभी भगा करके जल्दी करके, कोई मतलब नहीं है, आगे बहुत घूमना है अभी, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। सब लोग मेरे पीछे ही हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख रहे एक दूसरे से। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ माउंटेन्स का, ये घर, वो देखो कितना बड़ा घर है ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सिंपल सेंस ओवर, लेकिन उनको व्यू क्या अच्छा था। हाँ डिफ़िकल्टीज बहुत होती होंगी, लाइट कभी होती होगी कभी नहीं होती होगी, खाने वाने के लिए चीज़ें नीचे से ऊपर लेके जानी पड़ती है, मतलब कितना प्रॉब्लम भी होता होगा, बट हाँ ऐसे अच्छा लगता है। सो फाइनली बारिश भी बंद हुई और ट्रैफिक भी खुल गया, अभी पीछे ट्रैफिक में फंसे थे, रुक के पहले गोप्रो लगाया, अब आगे की तरफ भाग लेता हूँ। नॉर्मल वाले जो ग्लव्स पहने थे वो पूरे के पूरे गीले हो गए, इस वजह से ग्लव्स अभी नहीं पहने हैं। जरा ये नज़ारे देखें जरा आप, मतलब क्या मज़ा है, मतलब माउंटेन 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 और सामने ब्लू स्काई, ऊपर वाइट पीछे ब्लैक। अरे रना तेरी नैना तेरी नैना तेरी नैना री। नैनो की चाल है मखमली चाल है। क्या मस्त लोकेशन है यार, देखो ना सामने का, मतलब यहाँ से व्यू हो, रिवर हो, कितना अच्छा लगे, मस्त। आप बाहर बैठे हो शाम को, मस्त हाथ में कॉफ़ी हो, कुछ खाने का, जो चाय वाले बंदे उनके हाथ में चाय हो और कुछ भी खाने का, और मस्त आप व्यू को एंजॉय कर रहे हो। ओए होए होए मस्त मज़ा आ रहा भाई, सब सोच करके ही। अस्सी तेरे दीदार नू सलाम कर चले। हाँ चांद पे जाएगा क्या, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे मस्त वैली सनसेट होने वाला है, मतलब कितना प्यारा यार। ऐसा हो यहाँ पे साला घर ले लो और यहीं रहना स्टार्ट कर दो। एक सेकंड, हाँ राइट लेंगे, रुक तो जाओ, मोड़ने की जगह से तो मोड़ेंगे। अरे तो भाई मेरी जान मोड़ने तो दो, जाने नहीं देंगे उधर। आगे सब एक सेकंड भाई, शिट वापस चलना पड़ेगा। अभी मैंने हेलमेट में हाथ डाला ना, तो मेरा जो डिकेट है ना इसका, मेरा जो, अरे वो गोप्रो के माइक का जो डिकेट है ना वो निकल गया, उड़ता हुआ दिखा मुझे। सुना ना यहीं कहीं गिरा है यार, फॉर्म जैसा सा है। नहीं यार ये तो नहीं है, तो कुछ और ही है। आओ ना, हाँ मैं भी तो आया। ट्रक वाले भैया बड़े अच्छे हैं, ट्रक वाले भैया ने बोला जा जा ले ले मेरे भाई, मैंने ट्रैफिक रोक दिया। ओ दूसरा वाला हाँ हाँ, अबे ये नहीं है बे, हाँ ये आगे लगाएंगे, वो आर्मी वाला ट्रक था, वो मेरे को इशारा करके पूछा क्या हुआ, मैंने बोला ये गिर गया भाई यहाँ से निकल लो। वो ट्रक वाले बड़ा मस्त था, ट्रक वाले ने पता क्या करा, उधर से गाड़ी आ रही थी पूरी गाड़ी दबा दी, और दूसरा वाला मेरे ऊपर ही चढ़ रहे आ गया। तो अभी आपने अभी का सीन देखा ही, माइक का वो निकल गया, मैं उसके लिए रुका भाई, इनको बोलो निकले यहाँ से, वो आर्मी वाले बोल रहे हैं भाई यहाँ से निकलो, वो आर्मी वाला बोल के गया कि यहाँ पर रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एरिया सही नहीं है, ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। स
सो ये टनल मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है इसका नाम वाम क्या है। अभी जो लिखा होगा बनिहाल क्वाजीगन कुछ करके है, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन, बस कुछ है नेशनल हाईवेज का ही बना हुआ है। तो अभी अभी अपने पार्थ भाई और भावेश भाई आ जाएं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। पेट्रोलियम केमिकल टैंकर्स आर नॉट अलाउड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। Wait a minute, who are you? तो देखा जाए वैसे तो मस्त ही लग रही है, लाइट वाइट सब मस्त चकाचा, क्या है क्या नहीं वो मैं आपको गूगल पर सर्च करके बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल देखो यार क्या मस्त टनल है यार, मतलब एकदम से क्लीन और लंबी, मतलब स्ट्रेट सीधा सीधा दिख ही रही है। सो यहाँ से निकलते हैं, टनल क्रॉस करते, इतना प्यारा वैली है ना, मतलब कि आप लोग गोप्रो में शायद ना भी आ रहा हो, आई डोंट नो, बट आप राइट साइड में देखो वो स्नो कैप माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे आई विश, बट यहाँ से फिलहाल निकलते हैं। हाँ तो यहाँ पर रुकने नहीं दे रहे आर्मी का, ओके आई गॉट इट, ये वो ही है अपना, मेरे को लगता है इस साइड जवाहर टनल ही होगा, वहाँ भी ऐसा ही है इधर भी ऐसा ही है। फिर भी बहुत प्यारी जगह है यार ये, सीरियसली आई एम तो लविंग इट। वेलकम टू कश्मीर वैली, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म J&K। तो नो डाउट अपना वो टनल क्रॉस करने के बाद वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब ऐसा गर्मी नहीं लग रही और ठंड भी नहीं लग रही, मतलब कि नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है। साला गोर्टेक्स पहनने के बाद भी अंदर कोई गर्मी नहीं लग रही तो और क्या चाहिए। और जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, पूरी लोकेशन है ना, बहुत सुंदर है। कुछ क्लिप्स रील्स के लिए भी लिए इंस्टाग्राम के लिए, तो मतलब देखोगे तो मज़ा आ जाएगा यार। और अभी यहाँ से श्रीनगर रह गया है 60 किलोमीटर्स, अभी तक हम लोगों ने होटल वोटल कुछ बुक किया नहीं है, गूगल आंटी बोल रही है 1 घंटा, लेकिन मेरे को लगता है कि अपने को मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स ही लगेगा अगर अपने अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले तो, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल सीधा ऐसा हाईवे जैसा सही है, तो मज़ा आएगा। राइट में घर देखो एंड लेफ्ट में ग्रीनरी, क्या मस्त है, सामने सन और अगर आप लोगों को दिख रहा हो गोप्रो में नहीं आ रहा होगा आई नो, बट फिर भी अगर दिख रहा हो तो अभी तो पेड़ आ गए, पेड़ के एग्जैक्ट पीछे वो स्नो कैप माउंटेन्स आ रहे थे कम्प्लीटली। तो गाइज आप लोग बस एक लोकेशन देखो अभी ज़रा, इधर माउंटेन्स जैसा बताया बार बार, ऐसा मस्त रोड, और ये देखो इधर, वो मैन बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे थोड़ा एक दो फोटो लिए बाइक के अपने साथ में, इन दोनों के लिए एक एक रील भी शूट करी, और अब बस वापस से चल दिए अपने सफ़र पर। सो अगर आपको अभी तक किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, क्या अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो श्रीनगर यहाँ से रह गया है 55 किलोमीटर्स, तो मैं हेमर तो धीरज भाई पीछे ही हैं, बाकी सब लोग आगे चले गए। सो चलो आगे निकलते हैं, अब यहाँ पर किस बात का ट्रैफिक जाम है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, ज़्यादा टाइम ना ले तो अच्छा है, हम लोग साइड से निकल रहे हैं, निकलते रहें तो अच्छा रहेगा, अगर अदर अटक गए तो लग गई वाट। ओके तो यहाँ है रेलवे क्रॉसिंग, बड़े टाइम बाद रेलवे क्रॉसिंग पे ऐसे हाईवे पे आके रुके हैं। आ गई अपनी ट्रेन, अपनी मतलब ट्रेन आ गई। और ख़त्म भी हो गई। साला हाईवे बनाया है या रनवे बनाया है। देखो यार गाइस, मतलब देखो सही इसको यार, मतलब बस क्या बोलो,
और बीच में डिवाइडर नहीं है, इस वजह से ज्यादा ब्रॉड लग रहा है। ये है हाल मुल्ला। लोकेशन देखो ना, मतलब घर देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। ये इधर का व्यू देखो, और एक जगह इसके पीछे माउंटेन्स है ना, कितना प्यारा लगे। गरीबी देखो, गरीबी। तो ये है रूम के बाहर से कुछ व्यू, सामने लेक, यहाँ माउंटेन, और वो एग्जैक्ट सामने भी कुछ है पता नहीं, अपने को आइडिया है नहीं है क्या है क्या नहीं, बट मस्त है जैसा आप लोगों को भी दिख रहा है। तो रात कितने बजे आए थे अपने? 8:30 जैसा तक, रात 8:30 जैसा तक अपने पहुँचे थे। तो सब थक गए थे, फिर कुछ रात रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ। GoPro की बैटरी भी सब डिस्चार्ज थी, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। तो बस आया, खाए पिए, सो गए, अभी थोड़े टाइम पहले उठे, बस ये व्यू को थोड़ी देर इंजॉय किया। और सुबह सुबह पै बजते हालत ही ख़राब, मतलब कि नींद ही नहीं आई, खासकर पार्थ भाई को तो बिल्कुल ही नहीं। 7 बजे से इधर उधर घूम रहे हैं, अब बेचारे के साथ सबसे बड़ा कांड हो गया, इनके हेलमेट के GoPro का माइक ही खराब हो गया, जो भी रिकॉर्ड हुआ उसमें आवाज़ ही नहीं है, तब तो समझ सकता हूँ। लेके आएंगे आज माइक, कहीं से भी अरेंज करके लाना पड़ेगा, लेके आएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं आज कहाँ घूमने जाएंगे। कुछ रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा कह नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन थोड़ी ऐसी है, कफ हो गया है, पता नहीं हर बार इधर आता हूँ तो कफ कैसे हो जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको पता लग ही जाएगा जो भी नेक्स्ट व्लॉग होगा। सिटी में कहीं घूमेंगे होंगे तो उसका रिकॉर्ड होगा, तो वो अदरवाइज कल अपने निकलेंगे ले के लिए। अब ले पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा, वो तो आप लोगों को कल के व्लॉग में पता लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय। चलेगा चलेगा, दिखने देना, कोई नहीं, तू दिखने दे, मैं तो ऐसे डालती हूँ, सून बाय। अब बोल, नहीं नहीं बोल अब, ठीक है। तो एक ऐसी रील बनाने की, भाई ड्रोन लाए हो ना, जो आइडिया जो बस, तो कहीं आप करिए।